आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो ये जो चैप्टर है ये तुम्हारे फिजिक्स के एक पार्ट मैकेनिक्स के अंदर आता है। फिजिक्स में देखो, फिजिक्स के बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि थर्मोडायनामिक्स हो गया एक पार्ट, थर्मोडायनामिक्स एक पार्ट हो गया, फिर हो गया तुम्हारा ऑप्टिक्स जिसमें लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रेक्शन ये सब आता है, फिर तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिज्म ऐसे बहुत सारा और भी है, जैसे कि अभी तो मॉडर्न फिजिक्स भी आ गया जिसपे हम लोग क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस है, उन सब ब्रांचेस में से हम धीरे धीरे सब कुछ ही पढ़ेंगे, लेकिन स्टार्ट हमारा हो रहा है विद मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या है, व्हाट इज मैकेनिक्स? Mechanics is the branch of physics that deals with the condition of rest or motion of the material object around us. कोई चीज रेस्ट पे है या मोशन में है, उसे जो भी चीजें हैं उसे हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर मैकेनिक्स पे। अच्छा, अब भी जान लो ये मैकेनिक्स जो है ये तीन भाग में डिवाइड किया गया हुआ है। पहला है स्टैटिक्स, दूसरा है काइनेटिक्स और जो तीसरा पार्ट है वो है डायनामिक्स। स्टैटिक्स और डायनामिक्स के बारे में मैं जस्ट तुम लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये रिलेटेड है हमारे काइनेटिक्स से। नाउ व्हाट इज स्टैटिक्स? कोई भी चीज जब रेस्ट पे हो उसके बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं, वो जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो स्टडी है उसको बोलते हैं स्टैटिक्स। नाउ काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स, चलो मैं डेफिनेशन पहले दे देता हूं। काइनेमेटिक्स है, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। स्टैटिक जैसे मैंने बताया था जो रेस्ट पे, काइनेमेटिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है उससे रिलेटेड जो स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, वो सब चीज हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। और डायनेमिक्स क्या है? लेकिन वो जो जिस वजह से वो मोशन हुआ, वो मोशन किस वजह से हुआ, वो वजह हम लोग स्टडी नहीं करते काइनेमेटिक्स में। और डायनेमिक्स जो है ये वो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है जो कि किस वजह से वो मोशन हुआ, जो वजह है जिसकी वजह से मोशन हुआ, इसमें क्या करेंगे कि मोशन की वजह से जो वेलोसिटी आया, स्पीड आया, इसे हम लोग पढ़ेंगे। और जिस वजह से वो मोशन हुआ उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स का क्या होता है, इट्स अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द कॉज ऑफ मोशन। ये जो कॉज ऑफ मोशन है, किस वजह से मोशन हुआ उसको कंसीडरेशन में लेके वो है डायनामिक्स। यहां पे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स जो है, पहले जानते हैं ये काइनेमेटिक्स है क्या। काइन जो है, के आई एन ई, काइन, काइन का मतलब है मोशन, और मेटिक्स का मतलब है मैथ्स, यानी मोशन की वजह से जो जो मैथ्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स। अब आता है कि काइनेमेटिक्स के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो मोशन के वजह से जो मैथ्स, इस चैप्टर में मोशन की वजह से जो मैथ्स है हम लोग पढ़ेंगे, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन यानी कि लीनियर।
लीनियर मतलब बुक में दिया हुआ रहेगा रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर हम लोग यहां पे पढ़ेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन रेक्टिलिनियर, और ये जो मोशन है मोशन इन स्ट्रेट लाइन इसको हम लोग बोलते हैं मोशन इन वन डी इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब है समझो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में कुछ जा रहा है या मूव हो रहा है मोशन हो रहा है, यानी क्या देखो ये आइदर मोशन कैसे होगा, ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, इसमें क्या हो रहा है एक ही एक्सिस आ रहा है। देखो अगर सामने की तरफ गया तो एक्स मान लो अगर ये ग्राफ है अगर एक्स एक्सिस ले रहे हो तो इस तरह से पॉजिटिव इस तरह से नेगेटिव और कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही एक्सिस पे काम हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं वन डी। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मोशन इन टू डी, मोशन इन टू डी पढ़ेंगे। मोशन इन टू डी को अगर मैं तुम लोगों को समझाने जाऊं तो इसको ऐसे समझा सकता हूं कि ये देखो एक सर्कल में जब मोशन होता है तो ये जब सर्कल में घूम रहा है तो एक इस वाले मोशन को देखो ये ऐसे करके उस तरफ जा भी रहा है, फिर मोशन जो है ये कुछ देर बाद यहां पे आ जाएगा। तो देखो इस तरफ भी मोशन हो रहा है, पहले यहां पे था ये, अभी ये यहां पे आ गया, इस तरफ भी मोशन हो रहा है और वो ऊपर की तरफ भी जा रहा है, वो ऐसे ऊपर की तरफ भी जा रहा है, दैट मींस वो ऐसे भी जा रहा है और ऐसे भी जा रहा है। या फिर प्रोजेक्टाइल मान लो यहां से कुछ थ्रो किया यहां पे पहुंचा, कुछ ऐसा थ्रो किया बॉल बॉल ऐसे करके ऐसे गया, तो इधर देखो ये इस तरफ भी मोशन कर रहा है और ये इस तरफ भी मोशन कर रहा है, तो दैट मींस ये सीधा भी इधर भी जा रहा है और ये ऊपर की तरफ भी जा रहा है, यानी कि ये दो डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं मोशन इन टू डी। वन डी में समझाने के लिए जस्ट एक एक्सिस काफी होता है, टू डी में समझाने के लिए एक्स वाई एक्सिस दोनों आ जाता है, ऐसे समझ लो एक्स एक्सिस भी आ जाता है वाई एक्सिस भी आ जाता है, और एक है जो है मैं यहां पे लिख दे रहा हूं मोशन इन थ्री डी। अब थ्री डी का एग्जाम्पल इससे ज्यादा केमिस्ट्री में दिया जा सकता है, वो इलेक्ट्रॉन ये शो होता है। अगर मैं समझाने जाऊं तो तुम एक एरोप्लेन का ये ले सकते हो, एक एरोप्लेन जो है वो थ्री डी में मूव करता है, कैसे ये देखो ये एरोप्लेन मान लो उड़ रहा है, अब ये एरोप्लेन देखो ऐसे ऊपर और नीचे भी जा सकता है, ये बन गया उसका एक एक्सिस, एरोप्लेन जो है वो ऐसे ऐसे भी जा सकता है दो एक्सिस, और एरोप्लेन ऐसे ऐसे तो जा ही रहा है सामने की तरफ से जा ही रहा है, एक एक्सिस दो एक्सिस तीन एक्सिस, तो दैट मींस मूवमेंट ऑफ जो एरोप्लेन है उसको हम अगर ऑब्जर्व करेंगे तो वो जो मूवमेंट है वो तीन एक्सिस में जा रहा है, ऐसा ऐसा एक एक्सिस, ऐसा ऐसा दूसरा एक्सिस, ऐसा ऐसा तीसरा एक्सिस, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोशन इन थ्री डी। तो हम लोग सारे पढ़ेंगे मोशन इन वन डी भी पढ़ेंगे, मोशन इन टू डी भी पढ़ेंगे और मोशन इन थ्री डी भी पढ़ेंगे। अभी इस चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो हमारा हम लोग पढ़ेंगे वो है ये वाला मोशन इन वन डी। अब एक चीज समझ लो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला स्टैटिक जो रेस्ट पे है, काइनेमेटिक्स जो मोशन कर रहा है विदाउट क्यों मोशन कर रही है जाने मेरा, बाकी सब जो हम लोग उससे रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे वो काइनेमेटिक्स में है और डायनेमिक्स में तो कॉस पढ़ेंगे। अब एक चीज जानो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब कोई चीज मोशन में है या रेस्ट में है हम लोग कैसे बोल सकते हैं, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है उससे हम लोग कंपेयर करते हैं, जैसे कि मैं खड़ा हूं और ये ऐसा मूव कर रहा है तो ये पैन मोशन में है मेरे हिसाब से, मैं तो खड़ा हूं मूव कर रहा है, लेकिन क्या ये पूरा अर्थ में कहीं पे हमें ऐसा जगह मिल सकता है जो कंप्लीटली रेस्ट पे हो, ये अर्थ ही तो घूम रहा है तो अर्थ भी तो रेस्ट पे नहीं है, तो हम लोग अर्थ के अंदर ऐसा कोई भी जगह नहीं मिलेगा जो बोल सकते कि ये रेस्ट पे है इसके कंप्लीटली ये मोशन में, या फिर हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है वो भी तो गैलेक्सी के अराउंड मूव कर रहा है तो वो भी मोशन में नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा यूनिवर्स में हमें कोई एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट नहीं मिलेगा जो कंप्लीटली रेस्ट पे हो, वो किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में मोशन में होगा ही होगा, इसलिए हम लोग जब मोशन में मोशन बोलते हैं विद रेस्पेक्ट टू समथिंग बोलते हैं, जैसे कि अभी इस रूम में ये मेरा हाथ जो है मान लो ये रेस्ट पे है, इसके रेस्पेक्ट पे ये जो मार्कर है ये मूव कर रहा है तो ये है मोशन, मोशन ऑफ दिस मार्कर विद रेस्पेक्ट टू दिस हैंड, तो ये है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ये जो मोशन हो रहा है वो हम लोग कहां से देख रहे हैं, इस हाथ के नजरिए से देख रहे हैं,
तो ये याद रखना कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बोलूंगा वो उतना समझ में नहीं आएगा जब, लेकिन बाद में हम रिलेटिव वेलोसिटी ये सब करेंगे तो जाकर समझ में आएगा कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमिंग बैक, ये तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग अभी काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे कौन सा वाला, मोशन इन वन डी। अब देखते हैं काइनेमेटिक्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स जो हम पढ़ने वाले हैं। पहला है डिस्टेंस, डिस्टेंस आता है अंडर काइनेमेटिक्स ये पढ़ेंगे। फिर डिस्टेंस के साथ आता है डिस्प्लेसमेंट, ये पढ़ेंगे हम लोग काइनेमेटिक्स में। फिर डिस्प्लेसमेंट के बाद आता है स्पीड, स्पीड के बाद आता है वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद आता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के बाद एक टर्म आता है जो टर्म शायद आप लोगों का ज्यादा सुना नहीं होगा, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, वो है जर्क। तो अभी हम लोग काइनेमेटिक्स के अंदर पहले डिस्टेंस पढ़ेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, फिर स्पीड पढ़ेंगे, फिर वेलोसिटी। इसके अंदर भी और भी चीज आएगी, जैसे कि स्पीड में आएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, या वेलोसिटी में आएगा एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन में ये सब चीजें आएंगे। तो ये सब चीज अभी पढ़ूंगा। इस पार्ट में मैं ये जो पहला चार है वो कवर करने का कोशिश करूंगा, ये जो फर्स्ट पार्ट हमारा है। तो एक एक करके अभी हम लोग सब इसके डिटेल्स में जाते हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है ये सब करते हैं। और एक चीज है, जब हम ये डिस्प्लेसमेंट वगैरह ये सब कर रहे होंगे तो एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स में उसके अंदर कराऊंगा। तो क्या होता है एक्चुअली, अगर ये तो हमारा वीडियो क्लासेस चल रहा है यूट्यूब पे, नॉर्मली क्या होता है सेकेंड चैप्टर खत्म होने के बाद वेक्टर्स जो है वो करवाया जाता है। जैसे नॉर्मली जो बोर्ड में चैप्टर 4 से वेक्टर आता है, लेकिन अगर एंट्रेंस प्रिपरेशन करने जाओ तो इन सब टॉपिक के अंदर सिर्फ ही वेक्टर रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस में कराऊंगा जिसमें वेक्टर्स होंगे, और मुझे ये पता है कि आप लोगों को वेक्टर्स अभी तक आपको मिला नहीं है, तो हो सकता है आज या फिर कल मेरा वेक्टर सीरीज भी मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो आज या फिर कल जो वेक्टर का सीरीज है वो भी इसके साथ देखिए, तब जाके कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स है जो मैं करूंगा उसमें उसको समझ में आ जाएगा। अगर अभी नहीं आ रहा तो वो पार्ट अभी रहने दो, वो पार्ट रख देना, जो वेक्टर्स हो जाएगा इसके बाद वो समझना वो दीजिए रहेगा। और जहां तक मैं जब कराऊंगा तभी थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया वेक्टर्स का दे दूंगा। तो चलो अभी डिटेल्स में देखते हैं कि ये सब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है और कैसे ये काम करता है। ओके, अभी हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये सब तो तुम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, फिर भी चलो थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। डिस्टेंस जो है वो कौन सा क्वांटिटी है, डिस्टेंस मेरे ख्याल से स्केलर है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, ये तो याद रखना। स्केलर और वेक्टर क्या है, स्केलर वो चीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर वो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अब मान लो ये ए है और ये बी है, एक रास्ता ये है, नंबर वन है, एक रास्ता ये है, मान लो नंबर टू है, एक रास्ता मान लो ये है नंबर थ्री। तो ये वन टू और थ्री तीनों क्या है, तीनों के तीनों डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इन तीनों डिस्टेंस में से सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है, मेरे ख्याल से नंबर वन है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये देखो, ये वन जो है ये भी डिस्टेंस है, टू भी डिस्टेंस है, थ्री भी डिस्टेंस है, लेकिन वन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, हाँ ऑब्वियसली हो सकते हैं, क्योंकि नंबर वन जो पाथ है वो डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। तो मैं यहां पे लिखता हूं डिस्टेंस और यहां पे लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है, ऑब्वियसली बड़ा हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो सकता है। क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से इक्वल हो सकता है, हाँ इक्वल हो सकता है। क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो सकता है,
वो शायद कभी नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से अगर छोटा हो गया तो वही डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को तो आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे करते हैं, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। तो चलो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, ये तो तुम्हें समझ में आ गया। चलो मान लो एक क्वेश्चन आया था जीडब्ल्यू मीन्स में, शायद आया था ये कि ये रेडियस है आर, और निकालने के लिए बोला था रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोला था। तो ये मान लो ए पोजीशन, ये मान लो बी पोजीशन। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस जो है, तो ये है एक सेमी सर्कल। ये अगर एक सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना बन जाता है? पाई आर। क्यों? क्योंकि पूरा सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2πr। तो सेमी सर्कल हो जाएगा तो उसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा पाई आर। तो यहां से यहां तक जाने के लिए डिस्टेंस पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये रेडियस आर इधर और एक आर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2r। आर आर कट गया तो ये हो गया पाई बाई 2। समझ में आ रहा है? यहां पर मैंने 2r क्यों लिया? क्योंकि आर रेडियस है, ए बी जो है उसका डायमीटर हो गया, तो रेडियस अगर आर है तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 2r। आर आर कट गया तो आंसर आ गया 5/2। ये सब तो थे चलो इजी क्वेश्चंस। इस टाइप में और एक क्वेश्चंस आते हैं, वो करा के दिखाता हूं। मान लो एक क्यूब है, मान लो एक क्यूब है और हमें पूछा गया कि ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि ए तक का, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट ये, मान लो ये ए ए दिया हुआ है, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट ये है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं डायगनल। ये जो डायगनल है, ये जो डायगनल है, इस डायगनल का वैल्यू कितना होता है? ये डायगनल ऐसा नहीं है कि स्क्वायर में ऐसा एक डायगनल, रेक्टेंगल में एक डायगनल। ये होता है क्या, जैसे मान लो एक रूम है, रूम का उस कोने से उस कोने का डायगनल, और उस डायगनल का लेंथ कितना होता है? √3a। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? √3a। अब बात आता है √3a आता कहां से? वैल्यू यही है, ये रट्टा मारने के लिए रट्टा मार सकते हो कि ऐसा क्यूब में आएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा √3a। अब ये आता कहां से? ये समझने के लिए हमें थोड़ा वेक्टर्स से इसको समझना पड़ेगा। लेकिन वेक्टर्स पहले जो बोला कि अभी अपलोड हो जाएगा, तो अभी जैसा मैं दे रहा हूं वैसा लिख के रखता हूं नोट्स पे, जब वेक्टर्स को समझ में आ जाएगा पूरा पूरी तब इसको देख सकते हो, तो समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं ट्राई करता हूं समझाने का तुम लोगों को कि अभी तक तुम लोगों ने पढ़ा है कि दो ही एक्सिस होता है, लेकिन अभी थर्ड एक्सिस पर हो गया कि एक्स वाई और जेड। तो एक्स और वाई में क्या होता था? दो कोऑर्डिनेट होते थे, एक ऊपर एक नीचे, लेकिन आगे पीछे का नहीं होता था। अभी आगे पीछे का भी एक होगा, वो होगा जेड। तो मान लो ये ए का कोऑर्डिनेट है 0,0,0, मान लो ये 0,0,0, एक्स का भी 0, वाई का भी 0 और जेड का भी 0। अब ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट देखो एक्स में ए तरफ आगे गया, तो ये होगा ए, और बी में ये कितना ऊपर गया? उसमें शायद ए ऊपर गया ए, और वाई में कितना ऊपर गया ए। जेड में देखो ये इधर से मेजर कर सकते हैं, इधर से मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसी एंगल पे पीछे चला गया जेड पे, ये पीछे चला गया, तो पीछे को लिखते हैं तो माइनस ए। बी देखो इस तरफ तो पॉजिटिव ही जा रहा है, इस तरफ भी पॉजिटिव जा रहा है, लेकिन के की तरफ ये पीछे चला गया तो माइनस। और जो मेरा फर्स्ट पार्ट आएगा वेक्टर्स का, उस फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कि एक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से, वाई को जे कैप से, और इसको के कैप से। तो बी आ गया ए आई कोमा ए जे कोमा ए के। अब ये जो वेक्टर है ए बी, इसे जब हमें वैल्यू निकालना होता है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ए आई प्लस ए जे प्लस ऑफ ए के, तो ये हो जाएगा माइनस ए के। और जब इसका वैल्यू हमें निकालना होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ तीनों का वैल्यू का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है, ये जो मेरे वेक्टर्स का फर्स्ट पार्ट आएगा
आज नहीं तो कल अपलोड कर दूंगा, उसमें ये देखने से और ज्यादा समझ में आएगा तुम लोगों को। तो ये हो जाएगा 3a2, तो रूट थ्री अंदर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा a, तो ऐसे आता है ये रूट थ्री a डायगोनल का। तो ये सब अभी जो i j k ये ऊपर क्या क्या है, ये वेक्टर क्या है, ये अभी समझ में नहीं आएगा, ये अभी फिलहाल लिख के रख दो। ये सिर्फ जान के रखो कि ऐसा अगर क्यूबॉर्ड में आया तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो रूट थ्री a होता है। और ये जो मैंने निकाला कैसे निकाला, ये जो मेरा वेक्टर पार्ट आएगा वो आज ही तो कल से मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा, वो देखने के बाद ये और ज्यादा अच्छे से लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मान लो एक सर्कल है और मान लो ये रेडियस यहां से कवर करते हुए 1/4 ऑफ द सर्कल ट्रेवल किया। मान लो सुई का काटा ये, घड़ी का जो काटा है, सुई का काटा बोल रहा हूँ, घड़ी का काटा जो है 1/4 ट्रेवल करके वो यहां से यहां तक आ गया। अब पूछा गया है कि हमें डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो सीधा बना देता हूं, डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो ये पोजीशन ए में था, ये आ गया पोजीशन बी में, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट तो मेरे ख्याल से ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो मान लो रेडियस दिया हुआ है आर, तो ये भी हो जाएगा आर। अगर हमें ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं यूज कर सकते, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट ओवर 2r² √2r। तो ये तो इजीली निकल गया, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है √2r। इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी है, शॉर्टकट फॉर्मूला, इसका आंसर मैं यहां पे लिख के रख रहा हूं, मैं लास्ट तक लिख के रख रहा हूं और इसमें मैं सम करूंगा, उसके बाद एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है वो बताऊंगा। तो ऐसा अगर दिया गया तो तुम लोग कर लोगे। अब मान लो ऐसा एक सर्कल है, यहां पे था, यहां पे आ गया, ये रेडियस आर है, तो यहां से यहां तक जो आया इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, इजी हो गया, ये आर तो डिस्प्लेसमेंट हो गया आर प्लस आर क्वाइज आर। तो ये सब तो इजी टाइप्स क्वेश्चन है। अब मान लो हमें कुछ ऐसा दे दिया गया, क्लियर अप कर देता हूं मैं। अब मान लो कुछ हमें ऐसा दे दिया गया कि एक सर्कल है, सर्कल में एक पॉइंट है ए, सेंटर से मान लो ये एक पॉइंट है बी और ये है 120 डिग्री। अब पूछा गया कि निकालो डिस्प्लेसमेंट, तो हमें तो पता है डिस्प्लेसमेंट ये है, बट यहां पे तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर पा रहे थे क्योंकि ये 90 डिग्री था, लेकिन यहां पे तो ये 90 डिग्री नहीं है तो हम यहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं कर सकते। तो ये ऐसे टाइप ऑफ सम जो कि इतना एंगल स्वेप कर चुका है या फिर इतना पार्ट स्वेप कर चुका है, ऐसा टाइप ऑफ सम जो आते हैं एनडब्ल्यूटी में भी आ सकता है, जेई में भी आ सकता है या फिर तुम्हारे बोर्ड में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यहां पे लिख लो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 2r sin थीटा बाय 2, sin थीटा बाय 2। तो यहां पे वैल्यूज पुट करो, चलिए ये r है, ये r है, यहां पे वैल्यूज पुट करो कि ये आ जाएगा 2r sin थीटा की जगह पे आ जाएगा 120/2 2r sin 60 डिग्री। तो sin 60 का वैल्यू है √3/2, तो ये आ जाएगा 2r √3/2, 2 कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा √3 r सॉरी। तो तुम्हारे ऐसे क्वेश्चन देंगे, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा जैसे कि r दिया हुआ रहेगा, कुछ भी दिया हुआ रहेगा, तो जिसमें √3 r दिया हुआ है वो ऑप्शन टिक कर देना। तो अब बात आता है ये फॉर्मूला कहां से आया। अब देखो ये फॉर्मूला अगर मैं इस पे अप्लाई करता तो आता कि 2r sin ये तो 90 डिग्री है 90/2, तो ये आ जाएगा 2r sin 45 डिग्री। तो 2r sin 45 क्या होता है 1/√2, तो √2 से 2 कट जाता तो √2r। देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करके ये आंसर भी आ गया √2r। तो ये फॉर्मूला जो आया, ये फॉर्मूला आया कहां से ये फॉर्मूला भी आया हमारा वेक्टर से। कैसे आया मैं सोचो यहां पे कराओ या वेक्टर्स कराने के बाद कराओ।
ओके मैं यहाँ पे करा देता हूँ, शायद तुम लोगों को पूरा ये समझ में ना आए कि ये फॉर्मूला कैसे वहां से डिराइव हो गया है, लेकिन जब एक बार मैं वेक्टर्स करा दूंगा तो उसके बाद समझ में आ जाएगा। अब देखो यहां से ये एक वेक्टर है, ये यहां से ये एक वेक्टर है, ये और मान लो ये और एक वेक्टर है, तो ये जो है इसको मैं ले रहा हूं आर वन और इसको ले रहा हूं आर टू और ये जो साइड है इसको मैं ले रहा हूं डी। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है दिमाग में कि सर दोनों तो आर आर है, मैं इनको आर वन आर टू अलग क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये वेक्टर्स हैं, हो सकता है ये आर आर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दिया हुआ है लेकिन दोनों का डायरेक्शन तो दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं नीचे की तरफ जा रहे हैं, दोनों डायरेक्शन अलग है, अगर डायरेक्शन अलग है तो वो अलग अलग वेक्टर्स है। तो इसमें एक रूल है, जो रूल में तुम लोगों को वेक्टर्स का फर्स्ट पार्ट में समझाऊंगा, हेड टेल रूल। हेड टेल रूल में यह होता है कि आर वन को सब जब मैं डी से प्लस करूंगा आर वन प्लस डी इज इक्वल टू आ जाएगा आर टू, वेक्टर सारे वेक्टर्स हैं तो डी इक्वल टू आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर। अभी ये लिख के रखूं वो मेरा पार्ट वन पार्ट टू जब खत्म हो जाएगा तब देखिए ये सब और ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो वेक्टर्स में जब हम लोग माइनस करते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है आर स्क्वायर माइनस टू आई आर वन, आर वन में जो यहां पर मैग्नीट्यूड तो आ रही है आर आर कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर टू आई आर स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस टू आई आर स्क्वायर कॉस थीटा। इसको मैं यहां पे ले आकर सॉल्व कर रहा हूं, टूस आर स्क्वायर माइनस टूस आर स्क्वायर कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा टू आर स्क्वायर वन माइनस कॉस थीटा। तो वन माइनस कॉस थीटा जो है ये जान के रखो कि वन माइनस कॉस थीटा का वैल्यू है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ये हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब ये सब वैल्यू तुम्हें पता चलेगा, ये सब हम लोग सीखेंगे तब। अभी के लिए जान के रखो कि 1 माइनस कॉस 2 का वैल्यू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो 2 आर स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो 2 2 2 रूट से बाहर निकल जाएगा, आर रूट से बाहर निकल जाएगा साइन थीटा बाई टू, तो आ गया ये फॉर्मूला 2 आर साइन थीटा बाई टू। तो ये जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकला, ये मोड जो डालते हैं मोड का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू, जैसे लिखते हैं ना 5 मीटर 6 मीटर 7 मीटर, और जब एरो होता है तो वो होता है कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन। तो ये जो मोड जब डालते हैं तो हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, हम जो निकालते हैं वो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ये अभी शायद तुम लोगों को पूरा समझ में ना भी आए क्योंकि तुम लोगों ने वेक्टर्स नहीं किया है, अभी के लिए ये फॉर्मूला जो है वो सीख के रखो, ऐसा टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है तो उस पर डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ये फॉर्मूला आया कहां से, मैंने वो डेरिवेशन दिखाया है वो तो मेरा वेक्टर्स का आ जाएगा एक दो दिन में, तब तो वो देखने के बाद ये पूरा समझ तुम लोगों को आ जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए व्हील ऑफ रेडियस आर इज रोलिंग ऑन द रोड, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट पी इन हाफ रोटेशन ऑफ द रोड। ओके मान लो एक चक्का है जिसका रेडियस जो है वो आर है और ये जो पॉइंट है पी, हमें पूछा गया है कि इस रास्ते पे मान लो ये रास्ता है हाफ रोटेशन के बाद ये पी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब तुम लोगों ने क्लास 8-9 में जब मेंशनेशन किया था तब तुम्हें पता था कि अगर एक चक्का पूरा घूम जाएगा, एक व्हील अगर पूरा घूम जाएगा तो डिस्टेंस कवर कितना होगा, 2πr उसका सर्कमफेरेंस है, लेकिन ये पूरा घूम नहीं रहा है ये हाफ घूम रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर ये हाफ घूमेगा तो अगर पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन में वो 2πr था तो हाफ रिवोल्यूशन में शायद πr होगा। तो मान लो इमेजिनेटिव मान लो कि ये हाफ टाइम घूमने के बाद इधर आ गया, क्या बना दिया चलो ठीक है, चलो मान लो ये सर्कल ही मान लो इसको कि हाफ घूमने के बाद इधर आ गया, तो अभी क्या ये जो p था ये p यहां पे आ जाएगा, हाफ था ना ये घूमते 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 पूरा जगह फुल रिवोल्यूशन हो जाता तो ये पी घूम के फिर पी के जगह पे आ जाता, लेकिन ये हाफ हुआ है तो ये घूम के यहां आ जाएगा। अब ये डिस्टेंस तो
आगे रहेगा। अब यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है मेरे ख्याल से ये जो पाई आर डिस्टेंस होगा, क्यों पाई आर डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये तो हाफ रोटेशन लिया है। अब पूछा गया है कि ये जो डिस्टेंस जो ये जो चेंज हुआ है हाफ रोटेशन के बाद, आपने उनका डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, तो हमने तो पता है कि डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इधर से तो शायद मेरे ख्याल से यही होगा, ये है उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें पता है कि पाई आर, ये डिस्टेंस अभी कितना हो जाएगा, ये आप था, ये आप था, तो मेरे ख्याल से पूरा हो जाएगा मिला के 2000, ये आ गया ऊपर क्या होगा तो हो जाएगा 2000। अब हमारे चलो ये पी था, इसको पी डैश ले लेते, अब हमें ढूंढना है पी पी डैश, तब तो इजी है, ये 90 डिग्री है, हाफ रोटेशन है, पी पी डैश इज इक्वल्स टू रूट ओवर पाई आर होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये मेरे ख्याल से हो जाएगा रूट ओवर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहां से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 1, तो ये बाहर आ गया रूट ओवर आर पाई स्क्वायर प्लस 1, ये शायद आंसर होगा। ओ एक चीज मैंने गलत कर दी, यहां पे आर स्क्वायर नहीं होगा, ये ट्वाइस आर है, तो 2r होल स्क्वायर ये आ जाएगा 4r स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर तो यहां पे आ जाएगा 4 और यहां पे आ जाएगा 4। तो ये जो क्वेश्चन है ये डीसी पांडे बुक से क्या हुआ था, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टाइप क्वेश्चन था कि हाफ रोटेशन के बाद जो एक पॉइंट चेंज होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो मेरे ख्याल से अभी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे करते हैं। अगर ऐसा पूछ लेता कि ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन में डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, ये हम लोग वेक्टर्स करेंगे तो और अच्छे तरीके से जानोगे कि डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग निकालते हैं tan थीटा, tan थीटा जो वैल्यू देगा वही होगा वो डायरेक्शन, तो tan थीटा इक्वल्स टू अपोजिट साइड 2r / बेस पाई आर, तो डायरेक्शन जो होगा वो होगा 2 / पाई। तो जो ये था एक क्वेश्चन, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ओके अभी स्टूडेंट्स हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के बारे में देखेंगे, तो क्लास 9 में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ऐसे बनाते हैं स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या था, स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखो एक चीज शायद मैं लास्ट टाइम बोला भूल गया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक डिफरेंस और भी है कि डिस्टेंस जो है वो आइदर डिस्टेंस कैन बी जीरो या फिर डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो क्वांटिटी है वो हम लोग ग्राफिकली देखते हैं, तो मान लो कोई यहां से स्टार्ट हो गया ऐसा पीछे चला गया तो इस तरफ, तो अभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट इस तरफ मेजर करेंगे, तो ये एक्स, ये एक्स डैश यहाँ पे जीरो, तो इस तरफ जब मेजर करते हैं तो यहाँ पे शायद निगेटिव में मेजर करते हैं, तो इसलिए जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव या जीरो होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है तो वेलोसिटी भी निगेटिव हो सकता है, निगेटिव पॉजिटिव और जीरो, और स्पीड जो है वो हमेशा आइदर जीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा। स्पीड के अंदर हम लोग एक चीज पढ़ेंगे जो है एवरेज स्पीड, मान लो बहुत सारा स्पीड हो गया, बहुत सारा इंटरवल में स्पीड हो गया, मान लो एक ऑब्जेक्ट ए से बी गया इतने स्पीड में, बी से सी गया इतने स्पीड में, तो उसके एवरेज स्पीड क्या हो और वो सब कैसे निकालते हैं वो सब हम लोग देखेंगे, और इधर देखेंगे एवरेज वेलोसिटी, फिर हम लोग देखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, फिर यहां पे देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जो है उसको हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे डेल्टा से, डेल्टा वी, डेल्टा टी, ये सबसे डिनोट करते हैं, डेल्टा वी, डेल्टा टी, या फिर डेल्टा एस, हम लिख देता हूं एवरेज स्पीड। अब ये सब जो है ये
एक टाइम इंटरवल में होता है जो है डेल्टा टी, एक टाइम इंटरवल में होता है डेल्टा टी। डेल्टा मतलब चेंज इन टाइम, टाइम के चेंज पे उसका वेलोसिटी और स्पीड पे जो इफेक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा टी। तो ये एक टाइम स्पेन में होता है, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड जो है टाइम स्पेन में होता है, एक टाइम इंटरवल में होता है। और किसी भी चीज का जब इंस्टेंटली होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको डिनोट करते हैं इस टाइम को। तो यहां पे डेल्टा एस और डेल्टा बी को भी भूल जाओ, बाकी दूंगा। अब ये जान के रखो कि ये जो एवरेज स्पीड जो है वो हम लोग निकालते हैं एक टाइम पीरियड पे, और वो टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम। मान लो एक चीज हो रहा था तो 3 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच का हमें ऑब्जर्वेशन निकालना है, तो 3 बजे से 4 बजे के बीच में मतलब डेल्टा टी 1 घंटा, 4 से 3 माइनस कर दिया तो 1 घंटा। तो 1 घंटे का अंतराल में हम ये निकाल रहे हैं ड्यूरेशन में। लेकिन इंस्टेंटेनियस ऐसा नहीं होता कि 1 घंटा, वो एट दैट मोमेंट जैसे उसको हम लोग जो डिनोट करते हैं डीटी से डिनोट करते हैं, डीटी मतलब एकदम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ टाइम। ये अभी से जो इंस्टेंटेनियस वर्ड जो आ रहा है ये समझने के लिए, ये डीटी जो ले रहा हूं एकदम स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको समझने के लिए तुम्हें डिफरेंशिएशन समझना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन का मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, वो देखो, क्योंकि वो अगर नहीं देखा, अगर डिफरेंशिएशन नहीं समझा तो इसके बाद चलो एवरेज वेलोसिटी तक तो तुम लोग समझ जाओगे, इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट में जो इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ वेलोसिटी आएगा उसमें तुम समझ नहीं पाओगे। तो मैं इस चैप्टर का मोशन स्टडी में वो प्लेलिस्ट में वो वीडियो भी डाल दूंगा, वो तुम लोग देखो इसके बाद। तब तक ये डीटी क्या है, डेल्टा टी क्या है, वो अच्छे से और समझ में आएगा। जस्ट अभी के लिए समझ के रखो, डेल्टा टी मतलब एक टाइम इंटरवल के लिए और डीटी मतलब एट दैट इंस्टेंट। मान लो कोई इंसान घर पे भाग के जा रहा है, वो 9 बजे भाग के गया और 9:30 बजे को अपना घर पहुंचा। अगर मैं पूछूं उसके एवरेज स्पीड दिया हुआ है मान लो 10 किलोमीटर पर आवर, मैं अगर पूछूं कि जस्ट 9:11 पे उसका स्पीड क्या था, 9:11 पे उसका स्पीड क्या था, तो ये निकालना तो मुश्किल हो जाएगा। तो वो निकालने के लिए 9:11 डॉट उसी टाइम पे, डॉट उसी टाइम पे मीन्स बहुत छोटा टाइम, उसी टाइम पे कैसे निकालता है, निकालते हैं उसका स्पीड जो इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, वो तुम्हें वो डिफरेंशिएशन का अगर वो देखोगे वो पार्ट तुम्हें सब कुछ समझ में आया। उसमें मैंने क्लियरली सब कुछ ईच एंड एवरी पॉइंट एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे। अब एक चीज समझो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मैंने जो बोला था सेम, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में भी अप्लाई होता है कि एवरेज स्पीड विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। तो ये एनडब्ल्यूटी में एक क्वेश्चन आया था कि रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ था, आंसर था कि इट विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि अगर सेम होगा तो कट के 1 आ जाएगा, ज्यादा हुआ तो 1 से बड़ा आएगा। तो ये एक एनडब्ल्यूटी में क्वेश्चन आया था, एनडब्ल्यूटी में शायद जेई मेंस में आया था, मतलब कंफ्यूज लेकिन आया था, एनडब्ल्यूटी हो या जेडब्ल्यू मेंस हो दोनों में से एक में आया था कि रेशियो पूछा गया था एवरेज स्पीड और तो अगर ये इससे आइदर बड़ा होगा या इक्वल होगा, या हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखा था, डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज, डिस्टेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो सेम एवरेज स्पीड विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, तो उनका रेशियो जो है वो आइदर ग्रेटर देन आएगा और इक्वल टू 1 आएगा। तो ये हो गया जनरल इंट्रोडक्शन। अभी हम लोग देखते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन है जो तुम्हारे एनसीईआरटी बुक से, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन, ए कार इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकंड एंड रिटर्न्स फ्रॉम पी टू क्यू इन 6 सेकंड, व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एवरेज average speed of the car in going from O to P and back and from O to P and back to Q. तो पहला वाला करते हैं from O to P,
तो पूछा है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, तो पहले एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। तो अब देखो ओ से पी स्ट्रेट लाइन में तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही होगा क्योंकि वो ओ से पी जाकर रुक गया तो 360। और टाइम कितना लिया, टाइम लिया मेरे ख्याल से 18 सेकंड, तो 18 टू 36 20 मीटर पर सेकंड, ये आ गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, ये भी इज द पाथ लेंथ बाय टाइम टेकन। अब ओ से पी तो ऑब्वियसली डिस्टेंस भी तो सेम ही होगा 360, और टाइम कितना लगा 18, तो ये भी आंसर क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो इधर देखो एक ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करके एक जगह पे रुक जाए तो उसका जो वेलोसिटी, उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों सेम हो जाता है, तो इसलिए उसका जो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड है वो भी दोनों सेम हो जाते हैं। लेकिन पार्ट टू में ऐसा नहीं होगा, पार्ट टू में हमसे पूछा गया है फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू। अब देखो एवरेज वेलोसिटी पहले निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। अब डिस्प्लेसमेंट देखो वो ओ से पी तक या फिर यहां तक आया, तो डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये है इनिशियल फाइनल है, ये डिस्टेंस कितना है 240। लेकिन टाइम टेकन में तो कुछ शॉर्टिंग नहीं होगा, टाइम टेकन में तो पूरा होगा, वो इधर जाने में लगा 18 सेकंड्स, पी से क्यू आने में लगा उसको और 6 सेकंड, यानी 18 प्लस 6 24 सेकंड, तो ये आएगा हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास कितना आया 10 मीटर पर सेकंड। अब देखते हैं एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड है डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। अब डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस तो पूरा कवर करना पड़ेगा, पहले गया वो 360 के बाद आया और वो 120, तो 360 यहां तक और पी से क्यू आने में और 120, तो 360 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 24 सेकेंड्स, तो उतना ही लगा, पहले 18 सेकेंड्स फिर और 6 सेकेंड, तो ये आ जाएगा, मैं यहां पे लिखता हूं 360 प्लस 420 120 आ जाएगा 3 प्लस 1 480 बाय 20, तो हमारा आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। यहां पे देखो अलग अलग आंसर है, क्यों, क्योंकि यहां पे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया। तो इस टाइम से ये सब करते हैं, तो ये सब तो इजी है, ये सब एनसीईआरटी का लेवल का क्वेश्चन है, तो इसमें से ये सब भी पूछा जाएगा। अभी थोड़ा लेवल हायर का क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट सेशन। एक क्वेश्चन अभी दिया गया है कि ए मैन गोस फ्रॉम ए टू बी एट गिवन स्पीड एंड रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए एट बी टू स्पीड, जाता है गिवन स्पीड से और बी से ए तक रिटर्न करता है बी टू स्पीड में, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। तो मुझे लगता है एवरेज वेलोसिटी निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो ए से बी जाता है और रिटर्न बी से ए आ जाता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। अगर सेम ही जगह पे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर सेम होता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ए से बी किया बी से फिर रिटर्न ए से आया, तो वो स्टार्ट किया ए से और फाइनली कहां पे आकर पहुंच गया ए पे, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो तो निकल गया हमारा जीरो। अब इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अगर डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो वेलोसिटी जीरो हो ही जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी, तो ये देखो ये है ए ये है बी। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। अब देखो हमारे पास क्या डिस्टेंस दिया हुआ है, नहीं, क्या हमारे पास टाइम दिया हुआ है, नहीं, हमारे पास सिर्फ वेलोसिटी दिया हुआ है। तो अगर वेलोसिटी दिया हुआ है तो काम करता हूं मैं, ये जो डिस्टेंस है इसको मान लेता हूं डी, और यहां से जो यहां तक जाने का जो टाइम है उस टाइम को मान लेता हूं टी वन, और यहां तक से यहां तक आने का जो टाइम है उसको मान लेता हूं टी टू। तो इसका जाने का वेलोसिटी तो दिया हुआ है मुझे वी वन और आने का वेलोसिटी दिया हुआ है वी टू। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम का फॉर्मूला शायद डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, तो टी वन हो जाएगा शायद डी बाई वी वन,
और टी टू हो जाएगा शायद डी बाई बी टू, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही है, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है बी से ए तक का डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। टाइम को टी वन पकड़ लिया और डिस्टेंस तो स्पीड तो हमें दिया हुआ था वी वन और वी टू, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड, तो जाने का टाइम निकल गया डी बाई वी वन और आने का टाइम निकल गया डी बाई वी टू। तो यहाँ पे पुट करते हैं टोटल डिस्टेंस, जाने का डी और आने का डी, डी प्लस डी, टोटल टाइम टी वन प्लस टी टू, जाने का टी वन आने का टी टू, तो डी प्लस डी हो गया टू डी, तो T1 हो गया D by V1 और T2 हो गया D by V2। अभी 2D ये आ जाएगा V1 V2, और यहां पे अगर D कॉमन ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा V1 प्लस V2, ये तो आया ना, यस ये आएगा, ये मैंने डायरेक्ट लिख लिया है कि डी वी टू प्लस डी वी वन, मैंने डी कॉमन ले लिया वी वन प्लस वी टू, तो डी डी कट जाएगा, तो ये वी वन प्लस वी टू तो ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा टू वी वन वी टू बाय वी वन प्लस वी टू, ये है हमारा फाइनल आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन जब दिया जाएगा इसमें चार ऑप्शन दिया जाएगा, तो चार ऑप्शन में जो ये ऑप्शन होगा उसको टिक कर लेना। तो समझ में आ गया ये सब क्वेश्चन कैसे करते हैं, अभी और एक इसी टाइप में करके देखते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, पिछली बार जो किया था वो दो पार्ट में था, ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है। ए मैन कवर्स थ्री इक्वल डिस्टेंसेस, ये डिस्टेंस थ्री इक्वल पार्ट में है, तो तीनों डिस्टेंस को मान लेते हैं डी 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 विद स्पीड वी वन वी टू एंड वी थ्री, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा डी प्लस डी प्लस थ्री थ्री डी बाय टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री, तो 3d। यहाँ पे t1 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मेरे ख्याल से इस पार्ट का t1 आ जाएगा d by v1 डिस्टेंस बाय स्पीड, d by v2 और d by v3, तो d by v1 प्लस d by v2 प्लस d by v3, तो यहाँ पे 3d, नीचे अगर d कॉमन ले लिया तो आ जाएगा 1 by v1 प्लस 1 by v2 प्लस 1 by v3, d d कट जाएगा, इधर आ जाएगा 3 by यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा v1 v2 v3, तो v1 आ गया तो इधर आ जाएगा v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2, ये अगर ऊपर चला गया तो आंसर आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर 3 v1 v2 v3 by v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3। तो आई थिंक ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गया तो सॉल्व कर लोगे। अभी एक और थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मैं ये डिसपार्टनर से ले रहा हूं, वो करते हैं। ओके अभी ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, तो इसको करने से पहले एक बार मैं समझा देता हूं। मैंने जो ये डेल्टा समझाया था तुम लोगों को लास्ट टाइम में, डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन समथिंग फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन समथिंग माइनस माने चेंज इन समथिंग माने फाइनल माइनस इनिशियल, ये हमेशा याद रखना, चेंज इन समथिंग माने फाइनल माइनस इनिशियल। ये क्यों बोल रहा हूं ये सॉल्व करते वक्त पता चलेगा। क्वेश्चन दिया गया पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इफ एक्स कोऑर्डिनेट वेरीज विद टाइम, ये एक्स टाइम के साथ चेंज होता है। देखो ये इक्वेशन से समझ में आ रहा है, टी चेंज होगा तो एक्स चेंज हो जाएगा। एक्स हमें बोला गया कि मीटर में दिया हुआ है, टी जो है वो सेकंड में दिया हुआ है, हमें बोला गया है कि एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो, तो ये 1D मोशन है, तो 1D मोशन में एवरेज वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा ये डिस्टेंस है जो हमें एक्स का कोऑर्डिनेट होता है उसी का तो चेंज हमें निकालना है, तो मतलब एक्स जब फाइनल पोजीशन में होगा माइनस एक्स जब इनिशियल पोजीशन में होगा बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकंड माइनस इनिशियल टाइम जीरो से, तो अभी यूनिट नहीं पुट करता हूं 2 माइनस 0। ये समझ में आया, अगर ये समझ में नहीं आया तो ये डेल्टा वाला फिर समझो, डेल्टा मतलब चेंज इन समथिंग, तो यहां पे है चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम, तो चेंज इन डिस्टेंस जो ये एक्स का कोऑर्डिनेट हमें डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्प्लेसमेंट एक्स का कोऑर्डिनेट हमें डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, तो एक्स जब 2 सेकंड में होगा माइनस एक्स जब 0 सेकंड में होगा, तो इसलिए मैंने x फाइनल माइनस x इनिशियल लिख लिया बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम माने मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो फाइनल टाइम 2 सेकंड इनिशियल टाइम मतलब 0।
तो ये आ जाएगा कुछ x जब फाइनल मतलब 2 सेकंड माइनस x जब 0 सेकंड बाय 2। अब x जब 2 सेकंड में होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, यानी कि टाइम जब 2 सेकंड होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, करके देख लेते हैं। 2 इंटू t की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 सेकंड क्योंकि तो फाइनल वाला है। 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 6 माइनस x जब 0 सेकंड में होगा इनिशियली तब x का वैल्यू कितना आएगा वो भी करके देख लेते हैं। 2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 माइनस 6 और नीचे तो है बाई 2। इसको मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। 2 स्क्वायर 4, 4 टू जा 8, 8 प्लस 4 टू जा 8 माइनस 6 माइनस उधर बचेगा 2 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा, 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, उधर बचेगा माइनस 6 ये तो बचेगा 0 0 बचा माइनस 6 बाय 2। तो यहां पे आया 8 माइनस 6 2, 2 प्लस 8 10, 10 माइनस माइनस प्लस 6 बाय 2 तो ये आ जाएगा 16 बाय 2, 2 8 जा 16 तो हमारा आंसर आ गया 8 मीटर पर सेकंड। समझ में आया कैसे किया हम लोगों ने, जस्ट क्वेश्चन में देखो ये एक्चुअली और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग ये करने के बाद इंस्टेंटेनियस जब स्पीड से करेंगे इसके बाद हम लोग ग्राफ समझेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स कैसा होता है, इसमें ये सब चीज और करेंगे हम लोग जो चेंजिंग वेलोसिटी वाला टाइप से और ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन इस रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहा था तो मैं सोचा ये भी करा देता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है और इनिशियल और फाइनल टाइम भी दिया हुआ है। तो फॉर्मूला बिठाया, वैल्यूज पुट किया, x 2 सेकंड में कितना निकलेगा 2 पुट करके देख लिया, 0 सेकंड में कितना निकलेगा 0 पुट करके देख लिया, सॉल्व किया तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी जो है वो आ गया। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक बुक है इरडॉफ, इरडॉफ से मैं ये क्वेश्चन उठाया हूं। इरडॉफ का क्वेश्चन माना जाता है ऐसे टफ होते हैं लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कोई भी क्वेश्चन उतना टफ लगता नहीं है। तो मैंने जो एक वीडियो बनाया था जो अपलोड किया हुआ है चैनल में कि फिजिक्स के लिए क्या क्या बुक चाहिए ना, वहां पे भी मैंने इरडॉफ का जिक्र किया था। तो उसी इरडॉफ की बुक से एक क्वेश्चन अभी हम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी ये क्वेश्चन देखो। ए मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ v एंड द रिमेनिंग हाफ विद द स्पीड v1 एंड v2। ये मान लो एक डिस्टेंस है, ये मान लो d डिस्टेंस है और d डिस्टेंस है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि पहला जो हाफ पार्ट है उसने ट्रेवल किया विद ए स्पीड v और जो दूसरा पार्ट है वो ट्रेवल किया v1 एंड v2 फॉर इक्वल टाइम इंटरवल। ऐसा नहीं बोला है कि वो जो बाकी का जो डिस्टेंस है उसका हाफ डिस्टेंस v1 और हाफ डिस्टेंस v2, ऐसा नहीं बोला। उधर उसने बोला है कि इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल डिस्टेंस इंटरवल में नहीं बोला, उसने बोला उस हाफ डिस्टेंस का जो टाइम है उसका अगर हाफ कर दिया जाए तो उसका हाफ टाइम पे वो v1 स्पीड से गया और हाफ टाइम से v2 स्पीड से गया। तो हाफ जो डिस्टेंस है, हाफ जो टाइम इंटरवल में वो v1 में गया और हाफ जो टाइम इंटरवल है उसमें v2 में गया। तो मान लेते ये जो डिस्टेंस था इस डिस्टेंस में वो t टाइम और t टाइम में ट्रेवल किया, इक्वल दो टाइम इंटरवल और डिस्टेंस इंटरवल लिए। तो उस t टाइम इंटरवल में उसका स्पीड था v1 और सेकेंड t टाइम इंटरवल में उसका स्पीड था v2। तो मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, हमारे पास वेलोसिटी और टाइम है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो ये आ जाएगा v1t और ये जो बाकी का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आ जाएगा v2t। क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो यहां हमारे पास स्पीड भी है और टाइम भी है, स्पीड भी और टाइम भी है। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो टोटल डिस्टेंस बन जाएगा d इक्वल्स टू v1t प्लस v2t। तो ये क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि d इक्वल्स टू t कॉमन लेके v1 प्लस v2, और v1 प्लस v2 अगर इधर चला जाएगा तो d by v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू t। तो ये आ गया हमारा t। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एवरेज स्पीड ढूंढना है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो d प्लस d हो जाएगा 2d और टोटल टाइम होगा कि मान लो ये डिस्टेंस जो है उसने ट्रेवल किया t1 टाइम पे, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा vt1,
ये डिस्टेंस हो जाएगा वी टी वन, तो टी वन इक्वल्स टू डी बाई बी, क्योंकि डिस्टेंस है डी, वेलोसिटी है वी, तो टोटल टाइम आ जाएगा टी वन प्लस टी प्लस और एक टी, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल किया तो टी और एक टी, तो इधर जाएगा टू डी बाई टी वन प्लस टू डी। अब हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं, टू डी टी वन का वैल्यू कितना निकला है डी बाई बी प्लस टू इंटू टी, टी का वैल्यू हमने निकाला था डी बाई बी वन प्लस वी टू। तो अभी ये सब तो हो गया है, अभी लेट अस सॉल्व इट। सॉल्व करने के लिए यहां पे 2d है, मैं नीचे से ये d कॉमन ले लेता हूं, तो ये आएगा 1 बाई बी प्लस टू बाई बी वन प्लस वी टू, ये d d कट जाएगा। अब मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे 2 बचा ऊपर, नीचे आ जाएगा एलसीएम होके बी वन प्लस वी टू प्लस वी, ये तीनों का एलसीएम ले लिया, तो ये v ले लिया, तो इधर बचा बी वन प्लस वी प्लस सॉरी v1 प्लस v2, v1 प्लस v2 ये v2 है, v1 प्लस v2 प्लस 2v, 2 into v2 भी हो जाएगा। अब जब ये ऊपर चला जाएगा तो आएगा कुछ 2 into ओके, यहां पे मैंने एलसीएम जो है ये v1 into, यहां पे मैंने प्लस लिख दिया था, ये into होगा एलसीएम है ना, तो ये होगा v v1 प्लस v2, अभी सही है। अब ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा 2v v1 प्लस v2 बाय, नीचे आएगा v1 प्लस v2 प्लस ट्वाइस v, तो ऐसा कोई आंसर है कि इसमें, हाँ ये वाला है। तो ऐसा करते हैं, ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व, इसमें सिर्फ ये चेंज किया गया था कि बाकी जो सेकंड पार्ट है उसमें बोला था इक्वल इंटरवल में ये ट्रेवल कर रहा है, तो इक्वल इंटरवल तो हमने क्या किया, डिस्टेंस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड ना करते हुए टाइम इंटरवल को हमने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो जब हमने टाइम इंटरवल को डिवाइड कर दिया तो उसका वैल्यू निकाल के पुट किया, तो हमारा आंसर बहुत इजीली आ गया है। तो चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके अगले क्वेश्चन ले आए जिसमें बोला गया कि ए बस कवर्स हाफ डिस्टेंस एट स्पीड v एंड द रिमेनिंग हाफ एट स्पीड v1 फॉर वन थर्ड टाइम एंड टू थर्ड टाइम फाइंड एवरेज स्पीड। अगर पहला वाला क्वेश्चन आप लोगों ने ढंग से देखा होगा, उसको प्रैक्टिस किया होगा, तो ये आप खुद से भी कर सकते हो, ये पहले जैसा कॉन्सेप्ट में सेम बेस थे। अब देखो यहाँ पे माना जा रहा है, ये बोला कि हाफ जो डिस्टेंस है, मान लो ये हाफ डिस्टेंस d है और ये हाफ डिस्टेंस t है, ये बोला है बस कवर्स हाफ डिस्टेंस एट स्पीड v, ये v स्पीड से कवर किया गया, और मान लो ये टाइम था t1 हाफ डिस्टेंस चल रहे थे, फिर हमें बोला गया कि सेकेंड जो टाइम है, सेकेंड जो डिस्टेंस है उसका जो वन बाई थर्ड टाइम है, तो इसको ले लेते वन बाई थर्ड टी और टू बाई थर्ड टी, तो इस टाइम में वेलोसिटी इसका वी वन था और इसका वी टू था, तो अभी एट स्पीड वी वन एंड यहां पे मैं क्वेश्चन शायद लिखना भूल गया वी टू फॉर टू थर्ड टाइम। ओके अब ये पूछा गया है कि उसका एवरेज स्पीड क्या था, तो अब देखो एवरेज स्पीड निकालने के लिए यहां से शायद हमें t1 मिल जाएगा, t1 होगा d by v, t1 होगा d by v और उधर होगा ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस शायद मेरे ख्याल से होगा v1 t by 3, डिस्टेंस वर्सेस स्पीड इनटू टाइम होता है ना, तो ये हो गया, और उधर का जो होगा, उधर का होगा शायद v2 2v2 t by 3 2v2 t by 3। अब d इक्वल्स टू इन दोनों का प्लस हो जाएगा v1 t by 3 प्लस 2v2 t by 3, 3 एलसीएम से उधर चला जाएगा 3d इक्वल्स टू v1 t प्लस 2v2 t। अगर t कॉमन ले लिया तो आ जाएगा मेरे पास v1 प्लस 2v2, ये अगर नीचे चला आया तो आ जाएगा 3d by v1 प्लस 2v2 equals to t, तो मेरा टाइम इंटरवल निकल गया, उधर का टाइम इंटरवल निकल गया। अब एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन,
टोटल डिस्टेंस तो मेरे हिसाब से बी प्लस डी टू डी हो जाएगा, और टोटल टाइम हो जाएगा यहाँ का टी वन प्लस वहां का पूरा टी, तो यहाँ का टू डी जो टू डी टी वन कितना निकाला था हमने डी बाई बी प्लस ये पूरा टी हमने निकाला थ्री डी बाई बी वन प्लस टू डी टू ये तो था यस। तो यहाँ पे टू डी ऊपर अगर d कॉमन ले लिया तो आएगा 1 बाई बी प्लस 3 बाई बी वन प्लस 2 बी टू, डी डी कट जाएगा। अब यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 2 बाई, अब यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें एलसीएम, एलसीएम नीचे अगर लिया तो हमारे पास आएगा v इंटू वी वन प्लस 2 बी टू, इन दोनों का एलसीएम दिया वी वन प्लस 2 बी टू, तो इधर बचेगा वी वन प्लस 2v2 प्लस उधर ये v चला जा रहा है ये हो जाएगा 3v, तो ये अगर ऊपर चला गया तो हमारे पास आंसर आ गया 2v v1 प्लस 2v2 by v1 प्लस 2v2 प्लस 3v। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया तो हम लोग ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब तो हो गया इस टाइप का क्वेश्चन, एक लास्ट इस पार्ट में एक लास्ट क्वेश्चन करता हूं, एक कांसेप्ट है वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक क्लास छोटा सा क्वेश्चन करता हूं, उसके बाद ये पार्ट मैं खत्म करूंगा। ओके क्वेश्चन है कि ए मैन कवर्स ए डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड v2 फॉर टू इक्वल टाइम पीरियड। अब देखते हैं कि अगर टाइम पीरियड इक्वल हुआ तो उसका एवरेज स्पीड क्या होता है। तो मान लो ये एक डिस्टेंस था, ये टी टाइम, ये टी टाइम बस इक्वल टाइम इंटरवल बोला, मान लो यहां पे वेलोसिटी v1 और वेलोसिटी v2 दिया हुआ है, तो v1 और v2 अगर है तो इधर का इस टाइप का डिस्टेंस हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ स्पीड इनटू वेलोसिटी यानी v1t, ये हो गया d, और उस तरफ का जो होगा मान लो ये d1 है उस तरफ का होगा v2t, तो ये पूरा मान लो d है, तो d इक्वल्स टू d1 प्लस d2, ये दोनों एक्ट करने से डिस्टेंस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा v1t प्लस v2t, तो टोटल डिस्टेंस आ गया हमारे पास v1t बाई v2t। तो यहां से हम लोग t अगर कॉमन ले लिया तो v1 plus v2, v1 plus v2 को अगर नीचे भेज दिया तो d by v1 plus v2 equals to t, तो हमारे पास आ गया हमारा t। अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्टेंस जो है टोटल डिस्टेंस कितना पकड़ा है d by total time taken, time taken तो मेरे ख्याल से t plus t होगा 2t, t plus t 2t, तो d by 2t का वैल्यू क्या है d by v1 plus v2, तो शायद यहां से d d कट जाएगा, तो v1 plus v2 by 2, ये क्या हमारा आंसर। ये क्वेश्चन कराने का मतलब ये था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गाड़ी हो मैन हो कुछ भी हो अगर इक्वल टाइम इंटरवल में, दो इक्वल टाइम इंटरवल में अगर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है v1, दो इक्वल टाइम जब डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसका एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो उसका मीन निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे v1 और v2 था तो v1 प्लस v2 बाय 2, अगर तीन इक्वल पार्ट में ऐसा होता तो क्या होता v1 प्लस v2 प्लस v3 बाय 3। तो ये समझाने के लिए मैं ये वाला क्वेश्चन है कि इक्वल टाइम पीरियड में अगर ट्रेवल करें तो उसमें कुछ नहीं करना, जस्ट देख के तुम टिक कर सकते हो कि दो था इसमें v1 plus v2 by 2, तीन होता तो v1 plus v2 plus v3 by 3। तो यहाँ पे हम लोग स्पीड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का जो भी है ये सब डिस्कस किया, यहाँ पे ये पार्ट खत्म करता हूँ। अगर कुछ डाउट हो तो ग्रुप में भेज सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसके साथ मैं ये जो मोशन स्ट्रेट लाइन है उस पर मेरा और एक वीडियो है डिफरेंशिएशन का, वो भी मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, है चैनल में वो वीडियो, इसके बाद उसको देख लेना, क्योंकि इसके बाद हम लोग जब इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी ये सब करेंगे तब उसमें वो जरूरत पड़ेगा, ग्राफ का डेरिवेशन और कुछ भी हो उसमें जरूरत पड़ेगा, और उसमें मैंने क्लियरली सबको समझा के रखा हुआ है। तो नेक्स्ट जो क्लास आएगा उसमें हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे और जो इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी और आगे का जो है वो सब करेंगे। तो तब तक पढ़ाई करते रहो।